संत मरियम त्रेसिया परिवारों के संरक्षिका। अरे मैं पूछता हूँ, तू किधर जाती है इतनी रात को? पिताजी, जब मैं प्रार्थना करती थी तब प्राण पीड़ा से तड़पती एक आत्मा को देखा। उसके मरने के पहले पश्चाताप करें तो वो बचेगी। मुझे उस आत्मा को बचाना है, कोई मुझे नहीं रोके। यही मंकुडियन परिवार है। यह त्रेसिया का घर है ना? हाँ। हम त्रेसिया से मिलने आए हैं। बात क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? पिता मरणासन है, उन्हें बलि मृत्यु चाहिए। मैं त्रेसिया हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिताजी कई दिनों से दमे के कारण घुट कर सांस ले रहे हैं, हमसे यह देखा नहीं जाता, आत्मा शरीर से छुट्टी नहीं। हर कोई कहता है कि त्रेसिया आकर प्रार्थना करे तो वे पश्चाताप करेंगे और उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। लेकिन इतनी रात को हम इसे कैसे भेजें? कोई मेरे साथ आए, मदद कीजिए पिताजी, एक आत्मा स्वर्ग पहुँचे। ये कौन सी मुसीबत है, हमें सोने भी नहीं देते। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा दीदी, चलो। ईश्वर का आह्वान सुनकर त्रेसिया घर में चुपचाप नहीं बैठ सकी। जीवन की कठिनाइयों ने उसे सेवा कार्यों से नहीं हटाया। जो पाप जीवन बिताते थे उन्हें प्यार के साथ पुण्य जीवन में तथा पश्चाताप के रास्ते पर लाने के लिए त्रेसिया सदा प्रयास करती रही। इस गांव का ऐसा कोई घर नहीं जहां त्रेसिया की सेवा नहीं मिली हो। मृत्युशैया के पास त्रेसिया के होने से कई व्यक्ति भली मृत्यु पा सके हैं। बाबा, बाबा। वो रोगियों की सेवा भरसक किया करती थी, घर वाले उसकी मदद करते थे। बाहरी सेवाओं के वक्त त्रेसिया की आंतरिक आंखें बीमार की आत्मा की स्थिति की जांच करती थीं। हर बीमार के लिए वो प्रार्थना करती थी। मृत्यु के साथ किसी का जीवन समाप्त नहीं होता, या तो नित्य शांति के स्थान वो जाएगा, नहीं तो नित्य पीड़ा की जगह। ये हकीकत त्रेसिया को सदा प्रभावित करती थी और उसकी यही भावना उसे सेवा के लिए प्रेरित करती थी। उन दिनों ये काम कहावत थी, कहा जाता था कि पुथेनचिरा और उसके आसपास के इलाकों में कोई भी व्यक्ति त्रेसिया की सहायता के बिना नहीं मरा। कहा जाता था कि मरने वाले व्यक्ति के पास यदि त्रेसिया उपस्थित हो जाती थी तो उस व्यक्ति की आत्मा नर्क में नहीं जाती थी। त्रेसिया को ईश्वर से प्राप्त वरदान पापियों के हृदय को पढ़ने तथा वो आत्माओं को जीत लेती थी। दुख और संघर्षों के पथ पर चलकर त्रेसिया दूसरों को आध्यात्मिक मदद देने में सक्षम थी। उन्होंने कई तपस्याएं देखी और पश्चाताप की कृपा से गरीबों की सहायता के लिए अपने शरीर को गिरवी रख दिया। त्रेसिया के युगांत संबंधी दृष्टिकोण का दूसरा पहलू है शोध स्थान में पीड़ितों के बारे में ध्यान। मृत्यु के बाद जीवन के दागों को दूर करके जब तक पूर्ण पवित्रता ना पाते तब तक उन्हें शोध स्थान में से स्वर्ग पहुंचाने का जोश और उत्साह
त्रेस्या को होता था। शोध स्थान की आत्माओं में स्वयं पवित्रता पाने या प्रायश्चित करने का सामर्थ्य नहीं, ये ईसाई विश्वास है। इसलिए शोध स्थान में विशुद्धि का प्रयास करने वालों के प्रति प्रार्थना करने के लिए त्रेस्या सदा तैयार थी। ऐसी आत्माएं खुद प्रकट होकर त्रेस्या से मदद मांगती थीं और त्रेस्या उनकी मदद करती थी। ऐसी घटनाओं की सूचना भी दी गई है। त्रेस्या बेटी, मेरी मृत्यु की बेला में तूने प्रार्थना की थी, इसलिए नरकाग्नि से मैं बच गया। अब मैं शोध स्थान में अपना कर्ज चुकाने के लिए परेशान हूं। मैं खुद कर्ज नहीं चुका पाता। दुनिया में मैंने भला जीवन नहीं बिताया। अब मुझे दुख होता है। तू मेरी पत्नी और संतानों से ये सारी बातें बता। वे मेरा कर्ज चुकाएं, चालीसा का आचरण करें, उपवास करें, भला जीवन बिताएं और सबों से मध्यस्थ प्रार्थना मांगे ताकि मेरी आत्मा बचे। सबों को ये बात सुनाई जाए कि सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। मैं तो अब असहाय हूँ। शांत हो जाइए, मैं घर वालों को समझाकर सब कुछ करवाऊंगी। मैं भी प्रार्थना, उपवास और प्राश्चित कर्म के जरिए आपकी मुक्ति का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। धन्य माता मरियम ने अपने पेरिस के बीमारों की सहायता करने हेतु उन्हें इंगित किया। ऐसे अवसरों पर पापियों को मुक्ति और सुखद मृत्यु त्रेस्या की प्रार्थनाओं से ही मिला। एक व्यक्ति जो गले के कैंसर से पीड़ित था, वह चेचक के मरीजों की सेवा करने का कार्य करता था। उसे जवानी में ईश्वर से बिल्कुल भी डर नहीं था। बिना मृत घोषित किए वह उन्हें बांधकर दफनाने के लिए छोड़ देता था। यह सुनकर के कि वह व्यक्ति मरने वाला है, त्रेस्या उसके पास गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सैतानों की टोली उसे भयंकर और डरावने दृश्य दिखा रही है, जैसे उस व्यक्ति को चटाई में लपेटकर उसकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर रखे हुए हैं। त्रेस्या प्रार्थना की और उन्हें धैर्य रखने का सुझाव देती रही, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें आक्रोश से हमेशा दुत्कारा। त्रेस्या उस व्यक्ति के परिवारजनों के साथ मिलकर प्रार्थना करती रही और माता मरियम की सहायता मांगती रही। पिता बेतथिल ने उस व्यक्ति को पाप की मृत्यु से आशीर्वाद पहले ही दे दिया था। त्रेस्या उन्हें स्वर्ग में जाता हुआ देख रही थी। एक बार अपने पुराने मित्र से बात करते हुए त्रेस्या को एहसास हुआ कि उनके मित्र बहुत परेशानी में हैं। इसलिए उन्होंने उस महिला से मिलकर वार्तालाप करते हुए प्रेम मिलाप का संस्कार ग्रहण करने का सुझाव दिया। कई बार त्रेस्या लोगों के हृदय को पढ़कर जान पहचान कर उनके प्रति ईश्वर का प्रेम भर देती थी। जो झूठे मेल मिलाप संस्कार ग्रहण करते और बिना आशा के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। एक अन्य महिला जो पेरिस की थी, वह कई वर्षों से पेट की बीमारी से पीड़ित थी। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उसे तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द एवं सूजन थी। त्रेस्या ने उस स्त्री के लिए प्रार्थना की और उसके दुख अपने ऊपर ले लिया। तुरंत ही दर्द और बुखार त्रेस्या के ऊपर आ गया। धन्य माता मरियम ने त्रेस्या को आकर बताया कि ईश्वर उस स्त्री को ठीक नहीं करना चाहते,
किंतु उन्होंने उसकी मृत्यु एक महीने तक टाल दी है। त्रेसिया ने उस स्त्री के लिए पीड़ा और दर्द सहन किया। एक महीने के उपरांत उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह यीशु, माता मरियम और फादर जोसफ बेतेथेल के साथ त्रेसिया के सामने प्रकट हुई और बताया कि शनिवार की सुबह की पहली किरण के साथ ही वह स्वर्ग चली जाएगी। त्रेसिया के अथक प्रयास ने ईश्वर के लिए एक आत्मा और जीत ली। वह अपनी आध्यात्मिक अभ्यासों और यातनाओं को इस्तेमाल करते हुए शैतान के चुंगल से आत्माओं को बचाई। यह सब क्रूशित प्रभु के प्यार को बुझाने के लिए था। क्रूशित प्रभु के प्यास को बुझाने के लिए वह अपने दुखों से तुलना करती रही, इसलिए आत्माओं को बचाना उसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसी कारण स्वर्ग में संतों की मंडली के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका।